नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। महिला के मर्डर में चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रही थी मृतिका आशा। इस समय एक महिला और चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कैथल पुलिस ने शनिवार को हुए महिला आशा रानी मर्डर में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आशा की हत्या का मुख्य आरोपी शुभम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुभम के आशा के साथ प्रेम प्रसंग थे, लेकिन बाद में शुभम के किसी दूसरी महिला के साथ सिमरन के साथ संबंध बन गए। इन्हीं संबंधों को लेकर के अक्सर मृतिका आशा रानी शुभम के साथ झगड़ा करती थी, इसलिए शुभम ने सिमरन के साथ अपने प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रही आशा को रास्ते से हटाने के लिए ही अपनी ही प्रेमिका सिमरन और दो अन्य दोस्तों तरसेम और संजू के साथ मिलकर आशा की हत्या कर दी। चारों आरोपियों ने आशा की हत्या करने की साजिश रचकर वे आशा के घर से बाहर पहुंचे। वहीं चारों आरोपी दीवार फांद कर घर में घुस गए। घर में जाते ही आरोपियों ने आशा को जकड़ लिया, जिसके बाद उनकी आशा के साथ झड़प भी हुई, लेकिन चारों ने मिलकर आशा को तौलिए से गला घोटकर हत्या कर दी। इसके साथ साथ आशा की अलमारी में रखे हुए 16,000 रुपये भी चुरा लिए। अब देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। ऐसे शनिवार को शाम के करीब 4 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कंट्रोल के माध्यम से। सूचना मिलने पर SP साहब के दिशा निर्देश में तभी हम सभी मौके पर पहुंचे। SHO साहब भी, CIA 1 भी, CIA 2 भी, तो अलग अलग से टीमें बनाई गई। CIA 2 की अलग से बनाई, CIA 1 की एक टीम, SHO साहब की अलग टीम बनाई गई। मौके पर पहुँच कर वहाँ से बारीकी से हमने उसका मुआयना किया। मुआयना करने पर वहाँ से हमारे को कुछ सबूत साक्ष्य हमारे हाथ लगे, जिनके आधार पर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। और उसके चलते ही CIA 1 टीम के इंचार्ज व SHO, उन्होंने उन साक्ष्यों के आधार पर एक लड़का शुभम था उसको कैच किया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने इसमें खुलासा किया। उसके खुलासे के आधार पर उसके दो साथी, एक तरसेम और दूसरा संजू, ये सारे यहीं के कैथल के रहने वाले हैं। ये उनके अवैध संबंधों के चलते, जिसमें शुभम नाम का लड़का था वो उसके अवैध संबंध थे जिसका मर्डर हुआ, और उसी के साथ साथ चलते एक दूसरी लेडीज़ के साथ उसके संबंध बन गए। तो जो ये आशा थी जो दूसरी के साथ संबंध बने, ये उसको पसंद नहीं थे, ये उसको बार बार तंग करती थी, फ़ोन पे रोकती थी उसको, उसके साथ लड़ती थी। इनका झगड़ा भी हुआ उससे एक दिन पहले जब उन्होंने मर्डर किया, तो उसी रंजिश को लेकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, इसको रास्ते से हटाने के लिए। बस घर आना जाना था, रहते अलग अलग थे, वो भी अलग रहती थी, ये भी अलग रहती थी। तो सर आपने योजना बनाई किस तरह से घटना को अंजाम दिया? इन्होंने क्या था, जब ये काफी लड़ाई रहने लगी फोन पे, आशा इसको फोन करती थी शुभम को, तो सिमरन को भी ये बात झुकती थी बीच में कि ये क्यों बार बार इसको परेशान करती है। तो 26 तारीख को उसके पास था, वो सिमरन के पास था, जब उनकी वहाँ पर फ़ोन पे काफ़ी लड़ाई हुई तो उससे वो तंग आ गए। उसने सोचा भी चलो कोई उसका काम हम तमाम ही कर देते हैं चल के। तो उन्होंने 26 तारीख को, 26 की बात है ना? जी सर। हाँ, 26 को शाम को उन्होंने एक जगह बैठ के पार्क में दारू पी, फिर एक स्कूटी पे बैठ कर ये चारों आदमी उसके मकान के पास पहुँचे। वहाँ पर जाकर उन्होंने उसकी दीवार फांद कर अंदर गए और वहाँ जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया। जैसे आई उस पर वार, इन्होंने मुक्कों से उससे वार कर दिया, नीचे गिरा लिया, और जो एक परना था इन पे गमछा बोलते हैं जिसको, वो गले में डालकर उसे गला दबाकर उसकी हत्या की। ढूंढा ग्राउंड यारी दोस्ती में पहले इकट्ठे रहते थे, खाते पीते इकट्ठे थे। दोनों के साथ जो अरेस्ट हुई इसमें, वो भी और मरने वाली के साथ। प्रताप गेट का कुछ नहीं करता, बिल्ले हैं बिल्कुल। बाद में इसके साथ हुए, इसी वजह से चलते ही
वो भी मैरिड थी, वो पहले उसका डिवोर्स हो चुका था, यहाँ वो करीब 1.5 साल से आकर किराए पे यहाँ रह रही थी। कुछ गुप्त सूत्र भी थे और हमने कुछ इसमें तकनीकी काम भी किया जिस वजह से हम इन तक बड़ी जल्दी पहुँच पाए। 16,000 रुपये रखे थे अलमारी में से, क्योंकि अलमारी भी खुली थी, हमें नहीं था अभी पहले कुछ यहाँ और भी उन्होंने जैसे तलाशी लिया मुझे तो पता लगे वहाँ से 16,000 रुपये भी गए। हाँ आज इनका रिमांड लेंगे, लेडीज को कल अरेस्ट करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के सम्मुख पेश कर दिया गया था, वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हाँ नहीं उसका रिमांड नहीं होगा, अब इनका आज कोर्ट में पेश करके फिर इनका आज रिमांड हासिल कर।